से नहीं है, वारंटी दे दी, चलो निकलो, आपका पैसा आ गया, हमारे पास क्या करना है। भाई आवाज में फर्क है यार, इसकी आवाज में है ना फर्क दिख रहा है। बाकी ये न्यू लैंड है जो इतना जिगरा रखती है कि इसके 50 HP के ट्रैक्टर। ये शेर ही है भाई, गिद्दड़ नहीं है, शेर की खाल के अंदर चमक मार रहा है ना, लगा ना आपको। ये प्लेट दिख रही है ना आपको, इसके अंदर इसका राज छुपा हुआ है, हटा दूं पर्दा इससे, पहले शेयर करो वीडियो। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है ना 2000 kg है, बूस्टर रैम लगा रखी है तो लगभग 2400 kg तक चली जाती है। किसान भाई और राम राम, और सच्ची काल भाई सभी को, मैं अक्षय जाखड़ और आप देख रहे हैं पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो भाई आपके लिए आज हम लेकर आए हैं न्यू हॉलैंड का स्पेशल एडिशन ट्रैक्टर, जो कि कई मेरे भाई बोलते हैं यार बहुत बड़ा चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। आज है ना सारी सच्चाई बताऊंगा इस ट्रैक्टर की, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ये देखिए स्पेशल एडिशन, मुझे तो यार देखने में है ना सेम टू सेम वैसे ही लगा, रोटरी पंप के साथ में है, ठीक है। और इसकी क्या है, क्या कई चीज़ें हैं ना वो चेंज की है, वो मैं बताऊँगा। बाकी क्या है यार, सही फंडा बताऊँगा आपको क्या है, कंपनी को टैक्स बचाना है, इसके लिए है ना इन्होंने 50 HP का बोल के दे दिया। ट्रैक्टर सेम ही है, ट्रैक्टर कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक्टर के अंदर, लेकिन सेल करना है 50 HP का, के भाई स्वाद आ जाएगा, ताकत बढ़ी लगाता है ट्रैक्टर ये, ठीक है। इसमें मेन चीज पहले बता देते हैं दिनेश जी, कोई चक्कर नहीं रहेगा अपने, ठीक है। इधर आओ मैं बताता हूँ आपको, ये प्लेट दिख रही है ना आपको, इसके अंदर इसका राज छुपा हुआ है, हटा दूँ पर्दा इससे, ये देखो इसमें क्या दिया है 185, थोड़ा सा पास करके दिखाओ दिनेश जी, 185 की क्या दी है, SFC दी है, ठीक है। पहले वाले के अंदर क्या है कि 198 की SFC आती थी, ठीक है, और इसके अंदर है जो अभी 185 की कर दी है, कम कर दी। उस वाले का टॉर्क है जो यार 235 का टॉर्क था और इसका 240 का टॉर्क है, तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे सिस्टम क्या लग रहा है, इधर आइए मेरे पास। इसका रोटरी पंप है ना, इसकी ट्यूनिंग कुछ इस प्रकार से की है कंपनी ने कि मतलब भी सरकार के रूल के तहत क्या है कि इनको है ना, अगर वैसे आ रहा था ना ट्रैक्टर तो इनको CRDA निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा कमाल क्या किया है, इसकी ट्यूनिंग है ना इसको सेट किया है 3630 की, ठीक है, स्पेशल एडिशन की। ये इसका दिल है भाई, बहुत शानदार ट्रैक्टर है भाई ये। नॉर्मल में क्या है कि ये जो फार्म ट्रैक है ना उसकी टक्कर का ट्रैक्टर है, सही बताऊँ मैं आपको, A5 ज़्यादा यही पसंद करते हैं ट्रैक्टर जो आमतौर पर किसान भाई है ना वो। तो चलिए वीडियो को शेयर कर देना, मैं उसकी पूरी जानकारी जो आपको देता हूँ। दिनेश जी मुझे ऐसे कैसे लग रहा है कि यार इस ट्रैक्टर का कलर है ना जो कि चमक मार रहा है ना, लगा ना आपको लगा। पास में आइए थोड़ा, किसानों को भी दिखा देते हैं। इसके अंदर ना मेटेलिक पेंट किया गया है भाई कलर है, जो काफी समय तक आपके ट्रैक्टर के साथ में रहेगा। और किसान भाइयों इसके अंदर आपको है ना एक चीज बहुत खास मिलती है भाई, बताऊँ आपको क्या बताऊँ, बताओ पहले शेयर करो वीडियो को, शेयर तो कर देंगे सारे, कर दिया। तो भाई इसके अंदर है ना 6 साल की वारंटी मिलती है ना, ऐसे नहीं है वारंटी दे दी चलो निकलो आपका पैसा आ गया हमारे पास क्या करना है, वो वाली बात नहीं है। ये हॉलैंड है भाई, इसके अंदर क्या है कि 6 साल की वारंटी मिलती है ट्रांसफर के साथ में। अगर मैंने ट्रैक्टर ना दिनेश जी को सेल कर दिया ना, इनके पास में भी वारंटी जाएगी ट्रैक्टर की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात। वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ मेरी एक्टिंग कैसी लगी। तो भाई देखिए सबसे पहले तो इसका 2931 CC का इंजन दिया गया भाइयों, ठीक है, और 3 सिलेंडर इंजन है रोटरी पंप के साथ में। फ्रंट एक्सल देखिए एडजस्टेबल दिया गया, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग दिया गया है, फ्रंट के टायर हैं वो दिए गए हैं इसके 750, ये रहे 16 के टायर दिए गए हैं। देखिए सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ में डबल पंप मिलेगा आपको, ऐसी चाबी दी गई है इसकी, ये मेरे हाथ में है ना, ठीक है। फ्यूल टैंक इसका 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया स्पेशल एडिशन, और ये आपको ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है वो मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आप जो लेना चाहें वही ले सकते हैं यार, गिल्ले वाला भी लगवा सकते हैं आप आफ्टर मार्केट। बाकी इसके अंदर अभी ड्राई टाइप का है, डुअल एलिमेंट के साथ में है, 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। यूजी गियर बॉक्स और क्रिपर गियर बॉक्स दोनों के अंदर आपको ये ट्रैक्टर मिलता है, सिंक्रो मेश गियर बॉक्स के साथ में पार्शियल, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार का इसका ड्राइवर व्यू है भाइयों, और मैं आपको ना इसकी आवाज़ भी है जो मैं बता ही देता हूँ, पहले तो आपने देख ही ली होगी शायद, वीडियो देखी है स्टार्टिंग में, ठीक है। बाकी अपने इसकी आवाज़ चेक की कर लेते हैं, अभी मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ इसको, ठीक है, हो गया न्यूट्रल। अभी देखना इसका मीटर देखना, ठीक है,
स्कॉर्पियो देखिए भाई, आवाज में फर्क है यार, इसकी आवाज में है ना फर्क दिख रहा है मेरे को। आपको क्या कैसा लगा, फर्क है कि नहीं है वो मुझे बताना आप, ठीक है। और ये इसका डिजिटल मीटर दिया गया है, ठीक है भाइयों। और कंफर्ट है, फील भी अच्छा आ रहा है, बैठने में ड्राइवर सीट है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। और ये देखिए ऑयल इमर्स ब्रेक मिलेंगे, डबल क्लच मिलती है आपको, सेपरेटेड क्लच है पीटीओ के लिए वो अलग दी गई है इसकी। यहाँ पे हाई लो मीडियम गियर बॉक्स के साथ में, यानी कि 12+3 की स्पीड के साथ में ये। और पिछले टायर की बात करें तो इसके अंदर पिछले टायर है जो आते हैं 16/9/28 के टायर दिए गए भाई। क्या है कि आजकल का ज़माना है ना, इसमें थोड़ा दिखावा भी ज़रूरी है किसानों को, जो मेरे जैसे नए किसान हैं उनको, तो भाई उनके लिए चौड़े टायर भी है जो इसके अंदर दे रखे हैं ट्रैक्टर के अंदर 50 HP के। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है ना 2000 kg है, बूस्ट रैम लगा रखी है तो लगभग 2400 kg तक चली जाती है। बाकी ये न्यू लैंड है जो इतना जिगरा रखती है कि इसके 50 HP के ट्रैक्टरों में भी आपको 16/9/28 के टायर लगा सकते हैं। हब रिडक्शन के साथ में आती है, छोटे हब रिडक्शन किससे 56-20 से। बाकी देखिए डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे और लिफ्टोमेटिक भी दिया गया, मैं इधर वाली साइड से दिखाऊंगा। साथ में बूस्टर रैम पंप है वो भी दिया गया है, यानी कि 24 सेंसिंग के साथ में है। हुक वगैरह एडजस्टेबल है इसका, पीटीओ है, रिवर्स पीटीओ भी आपको इसमें देखने को मिलती है। और ये इसकी SFC रही यहाँ पे 185 की, ठीक है। 46 HP का पीटीओ दिया गया भाई इसका, 33.6 kW का। और ये साथ में नोपी है जो साथ में मिलेगी आपको इसके, भाई गजब है ट्रैक्टर तो काफ़ी शानदार है। प्राइस रेंज की बात करें तो 8 लाख से लेकर 9 लाख के करीब करीब ये ट्रैक्टर है जो मिलता है आपको। बाकी देखिए लिफ्ट की लीवर देखिए, बिल्कुल ड्राइवर सीट के पास में है और लिफ्टोमेटिक भी दिया गया है और ये ऑक्सिलरी लीवर दिया गया, मतलब काफ़ी शानदार है यार ट्रैक्टर तो। और ये लिफ्ट स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए है, इधर वाली साइड में करेंगे तो प्लस मतलब ये होगी कि स्पीड हाई स्पीड से उठाएगा, इधर वाली साइड में करेंगे तो लो स्पीड से उठाएगा। और ये सेंसिंग वगैरह के लिए दिया गया, ये लॉक दिया गया इसका। बाकी भूल चूक हो जाए तो यार क्षमा करना, ठीक है। ये डिफरेंशियल लॉक है, पार्किंग ब्रेक वगैरह के साथ में है। मतलब ये है कि यार ट्रैक्टर को सेम टू सेम रखा गया, मुझे तो कोई चेंज नहीं लगा। A5 उसमें A1 आता था, ठीक है, और एक दो चीज़ें हैं उनको माइनर चेंज किया गया, बाकी सेम टू सेम है भाई। कोई डरने की बात नहीं है कि पुराने वाला इसके अंदर मतलब कि शेर की खाल के अंदर गिद्दड़ का, ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। बाकी अपने कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ है ना जो बता रहा हूँ, सेम टू सेम इंजन है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। और शेयर कर देना दब के वीडियो को। ये लीवर दिया गया पीटीओ के लिए, ड्राइवर सीट वगैरह एडजस्टेबल दी गई है, ठीक है। और कीमत मैंने आपको बताई दी, दब के शेयर कर दें वीडियो को। ये नोपी है जो साथ में देखने को मिलती है अपने को, मतलब साथ में मिलती है। और प्लेटफॉर्म इसका यार थोड़ा सा ये है ना, ये प्लेटफॉर्म नीचा है अभी भी, तो यहाँ से है ना ये थाई है ना, ये दर्द करने लगती है लंबा चलाते हैं, तो इसके लिए स्पेशल है ना आफ्टर मार्केट यहाँ पे लगवाने पड़ते हैं। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रैक्टर ये, रिवर्स पीटीओ के साथ में देखिए 55 kg का है ये वाला बम्पर है ना इसका, ये 55 kg का है। बाकी मैं इसके अंदर टर्बो वगैरह है या नहीं है वो भी आपको दिखाई देता हूँ। है ना दिनेश जी, खोलना यार इसको, ये टाइट ही बहुत है। वेरी गुड भाई, बड़ी मशक्कत के बाद में टर्बो है भाई लगा हुआ। ये देखिए ये है ना इसका, ये शेर ही है भाई, गिद्दड़ नहीं है शेर की खाल के अंदर हैं, ठीक है। और ये पंप दिया गया इसका, तो भाई ठोक दो शेर, सेम ही चीज़ है। और ये ऑयल के लिए अलग से दिया गया, किसके लिए, पावर स्टीयरिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए इंटरकूलर भी दिया गया इसका, किसके लिए, ऑयल के लिए इंटरकूलर है जो आपको देखने को मिलता है स्पेशल, अगर पावर स्टीयरिंग है ना आपका इसके लिए, मतलब बढ़िया ठीक तरीके से काम करे। बाकी लव यू ऑल, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कमेंट जरूर कर देना भाइयों कि आपको वीडियो कैसी लगी, बाकी कोई रह गई हो कमी वीडियो के अंदर या कोई चीज़ फीचर नहीं बताया गया हो मेरे से, तो वो भी कमेंट में बता देना यार, जो भाई ज़्यादा जानकार है, ज्ञान पहलते हैं वो बता देना, ठीक है। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।